सर, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। जी कहिए। सर सर हमारे साथ रेप हुआ है। व्हाट? पानी पीजिए। अब आराम से हिम्मत रखिए, बताइए क्या क्या हुआ। सर सुनील अग्रवाल के घर पे हम नौकरानी का काम करते हैं, रोज की तरह आज भी साफ सफाई कर रहे थे और फिर ओए मानसी, तू तो भूख प्यास नहीं लगती, सुबह 8 बजे से काम कर रही है तू। अब देख 12 बज गए, एक काम कर, ये नींबू पानी पी ले। नहीं साहब, ये आपके लिए है। अगर तू हेल्दी रहेगी तभी तो हमारा घर चमकता रहेगा ना। ले ले ले। वेरी गुड साहब, मैं इसको किचन में रख के आती हूँ। अच्छा, क्या आप इन्हें तुरंत पुलिस स्टेशन ले आए? इनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। शर्मा बेटा, इन्हें हॉस्पिटल ले जाके इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए। जी सर। पांडे सर, इनकी FIR लिख लो, और ये सुनील अग्रवाल, इसे जरा थाने बुलाओ। कौन आया है? सर जी, मानसी झूठ बोल रही है। आप ही सोचे, मैं भला अपनी मेड का रेप करूंगा, वो भी इस उम्र में। सर जी, I'm 62 year old। मुझे ये बताने में जरा भी शर्म नहीं कि मुझ में अब वो पावर नहीं बचा। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरी वाइफ से पूछ लो। सर ये एकदम सच बोल रहे हैं। देखिए कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, है मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद पता चलेगा। अरे अग्रवाल जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। अरे अरे, ये क्या जबरदस्ती। मिस्टर सुनील अग्रवाल और मानसी, आप दोनों की मेडिकल रिपोर्ट इस वक्त मेरे सामने है। मानसी की मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मानसी पहले से ही सेक्सुअली एक्टिव है। डॉक्टर्स का मानना है कि मानसी के प्राइवेट पार्ट्स में किसी भी तरह के सीमेन के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। जहां तक मिस्टर सुनील अग्रवाल का सवाल है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स का मानना है कि वो पेनिट्रेटिव सेक्स करने की क्षमता खो चुके हैं, यानी कि मेडिकली वो किसी का रेप नहीं कर सकते। सर मैंने तो पहले ही कहा था कि आजकल की मेड ऐसी होती है, मोटी पार्टी देखी नहीं कि पैसे अट्ठे के चक्कर में रेप तक के झूठे इल्जाम लगा देती है। क्या मतलब है आपका, मेरी बहन झूठ बोलेगी? हाँ, मेरे पति कभी किसी का रेप नहीं कर सकते, और ये इसे तो वो बेटी की तरह मानते हैं, झूठ बोल रहे हैं ये दोनों मिलके। सर एक लड़की के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि तुम्हारा रेप हुआ ही नहीं है, बल्कि तुमने पैसे अटने के चक्कर में अपने मालिक मिस्टर सुनील अग्रवाल पर झूठा आरोप लगाया। सर ये गलत है, ये झूठ बोल रहा है आदमी। क्या झूठ है क्या सच है अभी पता चल जाएगा। यादव सर जरा लेकर आओ उसे। ओके सर। तुम? जी हाँ, इसका नाम है मनोज, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। अब तुम खुद अपने भाई को बताओ कि मनोज और तुम्हारे बीच में शारीरिक संबंध है या नहीं। बोलो क्या पूछना है इंस्पेक्टर साहब। संभालिए। मानसी दरवाजा खोलो। मानसी भैया, ये सच है हमारा मनोज के साथ रिश्ता है, पर ये भी सच है कि हमारा बलात्कार हुआ था, लेकिन आपने पुलिस ने हमारी बात नहीं मानी, हम कोई गुनहगार बता दिया, अब हम नहीं जीना चाहते। आपकी बहन मानसी। मानसी ने सुसाइड किया, इसमें मेरा क्या दोष है? दोष है क्योंकि मानसी ने अपने सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा है कि उसका बलात्कार हुआ था। साफ साफ बताइए कि माजरा है क्या।
माजरा कुछ भी तो नहीं सर, माजरा क्या हो सकता है मतलब? सर ले आओ। सर ये बेड के नीचे दो बॉक्स मिले और देखिए इन बॉक्सेस में क्या मिला है। सेक्स टॉय भी रखा है सर। तो माजरा ये है, इससे आपने मानसी का रेप किया था, जवाब दीजिए। सर मेरे पति ऐसा किसी के साथ कर नहीं सकते सर। आप प्लीज चुप रहिए, इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी आप अपने पति की तरफदारी कर रही हैं। मेरे पति ऐसा कभी किसी के साथ कर ही नहीं सकते। आप शांत रहिए। हाँ सारा कसूर मेरा ही है, मैं ही दोषी हूँ। मानसी ने मेरे कारण सुसाइड किया। आई डोंट नो रिस्पांसिबल। अरे नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जिन लोगों से हमारा व्यवहार होता है उन पर भरोसा करना लाजमी है, लेकिन भरोसा एक ऐसी चीज है जो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। मानसी ने सुनील पर भरोसा किया और उसका दिया हुआ शरबत पी लिया। नतीजा ये हुआ कि वो सुनील द्वारा अननेचुरल यानी कि अप्राकृतिक तरीके से किए गए रेप का शिकार बन गई। पुलिस को सुनील के घर पर वो दो बैग मिलने पर सुसाइड करना इस बात को साबित करता था। ये एक अजीब केस था जहां पर पीड़ित और प्रताड़ित दोनों ने ही आत्महत्या कर ली थी। पुलिस के केस क्लोज करने के बाद भी ये मामला तकरीबन एक महीने तक मीडिया में चर्चा और वाद विवाद का विषय बना रहा। शहर के समाज सुधारकों के एक खेमे ने सुनील अग्रवाल और मानसी गोस्वामी की आत्महत्या के लिए पुलिस को दोषी ठहराया, जिसे पुलिस महकमे ने बेबुनियाद बता दिया। इतने हो हल्ले और हंगामे के बाद ये केस यहां बंद हो चुका था, लेकिन क्या वाकई में ये इस केस का अंत था या फिर ये एक बड़े केस का एक छोटा सा हिस्सा था? चल गया। सरिंदा, सरिंदा रिंदा, अरे कहाँ चली गई? साहब मैसेज चेक करो। वीडियो क्यों बनाया तूने और ये मुझे क्यों भेज रही है तू? 5 लाख और अगर नहीं दिया ना तो तुम्हारी बिल्डिंग में वॉचमैन, धोबी, माली, हर एक फ्लैट वाले को ये वीडियो भेज दूंगी, समझा? अच्छा तो तू 24 घंटे हैं तेरे पास, रखती हूँ। नमस्ते। नमस्ते, मैं करिश्मा। करिश्मा, ओ हाँ हाँ करिश्मा, आ जाओ आओ अंदर आओ बेटा। अरे खुशी, वो डोमेस्टिक हेल्प आ गई है करिश्मा, आओ बैठो बैठो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठो। देखो काम मैंने फोन पे तुम्हें समझा दिया है, बस हम दो लोग हैं। सर काम कब से शुरू करना है वो हम सोच रहे थे आज से ही कर देते, वो क्या है ना हमारी माँ हमारे रहते दूसरों के घर में काम करते हमको अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी हमारे भाई की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसके पास कोई नहीं होता तो वो परेशान हो जाता है। मुझसे क्या पूछ रहे हो, भले घर की लगती है रख लो। ठीक है बेटा तुम आज से काम शुरू कर दो। थैंक यू सर। अरे नहीं ऐसे क्या, आओ मैं तुम्हें किचन दिखा दूं, आ जाओ। क्या बात है साहब, जल्दी इंतजाम कर लिए पैसे का, लो
रब है ना, सब देख रहा है, तेरा भला नहीं होना कभी। ये पैसे मैंने अपने पोते की पढ़ाई के लिए रखे थे, समझी? बैंक पढ़ाई के लिए लोन बांट रही है, टेंशन मत लो आप, जाके पोते का ध्यान रखो, जा। अरे जाओ। कहा अरे अरे क्या बात है? हाँ ये देखो मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आई हूँ। क्या लाई है? समोसा और जलेबी। ए पैसा कहाँ से मिला रे? अरे जिनके काम करती हूँ उन्होंने दिए। बोलो समोसा जलेबी खाएगा? ये देख। हे जंगली भाई, एकरा नौकरी ऐसे ही चलत रहे, जिससे हमरे मोनू का इलाज और पढ़ाई भी नहीं मजा है, घर भी चलत रहे। बस इतने बाकी के पैसे कहाँ? इतने ही मिले मामा से होशियारी है, बाकी के पैसे दे लो। इतने ही मिले मामा? मुझे पता है पैसे कहाँ। हाँ मामा इतने ही मिले मामा। अच्छा अच्छा अच्छा, देर देर मुझे भी दे दे। हाँ बस निकल रही हूँ मैं। आई 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 ओके बाय। सुनो कैसी लग रही मैं? बहुत अच्छी, हमेशा की तरह। ठीक है मैं डॉली की किटी पार्टी में जा रही हूँ और मुझे आने में लेट हो जाएगा। हाँ बाय बाय। अरे करिश्मा बेटा ये जूस पी लो। नहीं साहब। कितना काम करती हो तुम, इसके पीने से तुम्हें ताकत मिलेगी। लो बेटा लो, लो। अरे लो पियो, शाबाश। अरे आ गई तू, खाना लगा दे। करिश्मा क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है का? चाय पिएगी? चाय बना दे। हाँ हमारा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं, हम कल से नौकरी पे नहीं जाएंगे। उन लोगों ने डांट दिया का? देख बेटा अब जो लोग इतना सामान पैसा सब दे रहे हैं, अगर कभी कोई चार बात बोल दे ना, दिल पे मत लगा। देख तू नौकरी छोड़ देगी तो फिर मोनू का क्या होगा? फिर जल्दी इतना अच्छा काम नहीं मिलता है बेटा, ये हमारी बात मानना, जो भी उन लोग कहे सब अनसुना कर दे, फिर ये सब ठीक हो जाएगा। तो काम पे नहीं जाएगी तो घर कैसे चलेगा रे? बाद में बात करती हूँ। बिल्कुल सही समय पे आई हो। यह है तुम्हारा नया शिकार। कुछ दिन इसका पीछा करो, देखो ये सही समय पे किल ठोक दो। नमस्ते, मैं धीरो जरूर आऊँ। क्या लेंगे आप मालिक, चाय पानी? अरे नहीं कुछ। हाँ? तकलीफ मत कीजिए आप। ये आपका बेटा है? हाँ। बेटा जरा यहाँ आना। क्या मुस्तिकर साहब,
ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। हाँ जा जा बाहर खेलो जाओ। अब ये लीजिए बैच, ये आप लोगों के लिए कुछ गर्मा गर्म जलेबी और नमकीन है, और हाँ ये आपके लिए साड़ी। हमारे लिए साड़ी? हाँ लीजिए। करिश्मा नजर नहीं आ रही। हाँ करिश्मा घर पे ही है, हम अभी बुलाते हैं। करिश्मा। हाँ माँ। बेटा भाग क्या ना, देखते रहे बालिका आए हैं। कैसी हो करिश्मा? बेटा कल कहाँ पे नहीं आई तू? मालिक इसका ना तबियत थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन कल से आएगी। हाँ कल से आएगी। वो तो ठीक है। करिश्मा के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सा ऑफर है। क्या है बहन जी, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे अपने बहू बेटे के पास दुबई भेज दो। दुबई? अरे जरा सोचिए बहन जी, यहाँ का 20 रुपया मतलब वहाँ का 1 रुपया, मतलब उसकी पगार 20 गुना बढ़ जाएगी, और हर 3 महीने में हम उसे आपके पास भेज देंगे मिलने के लिए, और आपकी और आपके बेटे की देखभाल के लिए तो हम है ही यहाँ पर। कहिए क्या ख्याल है आपका? अच्छी लीजिए ये एडवांस। मालिक आप तो देवता आदमी है। ऐसा कुछ नहीं करिश्मा, ये तो किस्मत है, इतने अच्छे आदमी के काम करने को मिला। खुशी अग्रवाल जो दूसरी शादी के बाद अब खुशी अरोड़ा बन चुकी थी, उसका ये पति भी दरिंदा था। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर इसके पीछे भी कोई और रहस्य था? खुशी और वैशाली को करिश्मा के साथ हो रहे अत्याचार का पता चला भी या फिर नहीं? मैडम, मैडम, मैडम चेक करो, देखो आप आप काफी स्वेलिंग है, हो सकता है जोर से वार किया हो, सकता है मौत इंटरनल इंजरी की वजह से हुई। और देखो अच्छी तरह से सर, टेरेस और बिल्डिंग के आसपास अच्छी तरह से छानबीन करवाओ, देखो कुछ मिलता है क्या। अगर कातिल ने कत्ल यहाँ किया है तो हो सकता है मर्डर वेपन यहीं कहीं उछाल के फेंका हो। सर आप लोगों में सबसे पहले किसने देखा भाई? सर मैंने। आपने बॉडी के आसपास कुछ देखा? नहीं सर कुछ नहीं। आप लोगों में से कोई इसे पहचानता है क्या? नमस्ते, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, मैंने इन सबसे बात कर लिया, मगर हम में से किसी ने इस लड़की को इस सोसाइटी में कभी नहीं देखा। एक बात बताइए, आपके सोसाइटी में सीसीटीवी काम कर रहे हैं? हाँ जी सर। हमें पिछले 2-3 दिन के सीसीटीवी फुटेज चाहिए हो। मिल जाएंगे सर। सर ये देखिए सर, पांव के पास ये हेयर स्टैंड मिला है, और ये हेयर कलर विक्टिम के हेयर कलर से काफी अलग है। सर मैंने पूरी बॉडी चेक की लेकिन कहीं कोई निशान नहीं है, और बॉडी के आसपास खून के धब्बे भी नहीं है। बाल का डीएनए विक्टिम के डीएनए से मैच करवाओ, और बॉडी एक बार फिर से चेक करो, देखो कहीं कोई निशान तो नहीं। सर संदीप बॉडी का पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, और उससे पहले इसकी फोटोग्राफ्स लेके सोसाइटी में दिखाओ, देखो कोई पहचानता है क्या। अगर यहाँ कोई ना पहचाने तो आसपास की सोसाइटीज में दिखाओ, वहां भी अगर कोई ना पहचाने तो सोशल मीडिया पे डालो उसकी फोटोग्राफ, और इस एरिया के रहने वाले लोगों में विक्टिम का फोटोग्राफ सर्कुलेट करो। हमारे लिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी हम कातिल तक पहुंच सकते। सर आप दोनों से पहचानते हो? नहीं।
खाना पीना छोड़ने से कोई समस्या का हल नहीं निकलता। दीदी दीदी अगर अब तुम भी नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। इसमें खोल दे बेटा। सर उस अनआइडेंटिफाइड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। विक्टिम की मौत 13 तारीख को दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में हुई है, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन तो हमें अगले दिन 14 तारीख को सुबह 8 बजे मिली। कुछ समझ में नहीं आ रहा, भरी दोपहर में टेरेस पे मर्डर। सर ये बिलीवेबल नहीं लग रहा। मैंने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। विक्टिम की मौत सिर पर कोई भारी चीज लगने की वजह से हुई है संदीप, इतना तो तय। ये एक्सीडेंट का मामला नहीं है। सर मैंने टेरेस, कैंपस, आसपास के बिल्डिंग्स में भी चेक किया लेकिन कुछ ऐसा नहीं मिला जिसे हम मर्डर वेपन कह सकते। विक्टिम प्रेग्नेंट थी, तकरीबन 5 महीने। सर बॉडी देखकर तो ऐसे नहीं लग रहा था। सर विक्टिम की बॉडी पे जो हेयर स्टैंड मिला था उसका डीएनए विक्टिम से मैच नहीं करता है सर, ये देखिए। यादव जी एक काम कीजिए, सोसाइटी में उस दिन 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में जिन जिन लोगों की भी मूवमेंट हुई है सीसीटीवी कैमरा में, उन सबको आइडेंटिफाई करो। पता लगाओ क्या उनमें से कोई भी विक्टिम के साथ कनेक्टेड था। ओके सर। सर उस बिल्डिंग में जितने भी लोग। एक्सक्यूज मी सर, वेलकम जी, आइए। सर मेरा नाम आलोक, मैं आपसे एक जरूरी बात शेयर करना चाह रहा हूं। प्लीज बैठिए पहले आप। जी थैंक यू सर। बताइए क्या जरूरी बात शेयर करनी है आप। ये जो लड़की है, मैं इस लड़की को जानता हूं सर। सर इस लड़की का नाम वृंदा चौहान, और सर ये मेरे मां मेड का काम करती थी। सर वो इसने मुझे अपने सेक्स के जाल में फंसा कर मुझसे 5 लाख रुपए ब्लैकमेल के तौर पर रेंटे थे। आलोक जी कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्टिम के पेट में आप ही का बच्चा था। मैं तो उस लड़की से 1 महीने पहले ही मिला था। आप इस वृंदा चौहान के कॉन्टेक्ट में आए कैसे? मेरे घर के लिए एक मेड की जरूरत थी तो मैंने मेड एजेंसी वालों को फोन किया। सहेली नाम की एक मेड एजेंसी थी, उन्होंने मेरा नंबर ये वृंदा चौहान को दिया था। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर जी, वृंदा चौहान का कॉन्टैक्ट नंबर जी, और वो जो एजेंसी का नाम बताया आपने इसका कॉन्टैक्ट नंबर नम्रता को लिखवा दीजिए। नम्रता जी सर नंबर ले लो जी, आप जा सकते हैं। सर ये आलोक खुद होके आया तो है लेकिन इसकी हर बात पर हम विश्वास नहीं कर सकते। कहते तुम सही रहे हो संदीप, ये वृंदा चौहान के कॉल रिकॉर्ड्स और उसके लोकेशन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, और जिस एजेंसी के बारे में ये आलोक बता रहे थे सहेली, वहां जाकर वृंदा चौहान के बारे में पता करो। सर वृंदा हमारी एजेंसी के साथ 7 महीने से जुड़ी हुई, 2 महीने किसी के यहाँ काम करने के बाद एक दिन रोते रोते मेरे पास। ठीक इतनी चोट कैसे लगी तुझे? मेरे मामा ने आज मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती किया मुझे पीटा। तो अपनी माँ से बात क्यों नहीं करती, वो कुछ करेगी ना। मेरे मामा मुझसे बहुत नाराज है, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं उनके पास नहीं जा सकती दीदी, नहीं जा सकती दीदी, वो एक अलग कहानी है। हम दोनों पुलिस के पास चलते हैं, पुलिस को बता दे। नहीं नहीं दीदी, पुलिस की बात करें तो मामा मुझे घर से निकाल देगा, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। रोना बंद कर और ये बता कि तू मुझसे क्या चाहती। मामा ने बोला था कि उसको पैसे ला के दूंगी ना तो वो मुझे छुएगा नहीं। दीदी कोई ऐसा जुगाड़ बता दो जिससे कम समय में ज्यादा पैसे कमा सको, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो या तो मेरा मामा मुझे मार देगा या मैं अपनी जान ले लूंगी। फिर मैंने उसे ऐसे लोगों के यहाँ काम करने का आइडिया दिया। वो क्या है ना साहब कि 2 पैसे एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं। मुझे उन सारे लोगों के नंबर चाहिए जिनके घर पे वृंदा ने काम किया था, हो सकता है उन्हीं में से कोई वृंदा के होने वाले बच्चे का बाप हो और उन्हीं में से किसी ने उसे मारा हो। क्या वृंदा प्रेग्नेंट थी? जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से वृंदा के पेट में 5 महीने का बच्चा था। सर सर तो ये जरूर उसके मामा का काम है। जनाब जितना मारना मार लो जनाब, मैं सच कहता हूँ, मैंने
इंदिरा के साथ जबरदस्ती जरूर की जला, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। जबरदस्ती की? जैसे तू जबरदस्ती कर रहा है, जबरदस्ती नहीं रेप कहते हैं। बता, 13 तारीख को दिन में 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक कहाँ था तू? जनाब, उस दिन मैं ट्रक में सामान लेकर हरिद्वार गया था। आप चाहो तो सिंह कंपनी में फोन करके पूछ लो। हमें सिखाएगा तू? वो जो इंदिरा जिन बुड्ढों को चूना लगाती थी, उनमें से किसी ने मारा होगा जनाब। जिन जिन सीनियर सिटीजन्स के यहाँ पे वृंदा ने काम किया था, उन सब ने बयान देने से मना कर दिया। लेकिन संदीप, वृंदा प्रेग्नेंट थी और जाहिर सी बात है उसके बच्चे का बाप इन्हीं में से कोई एक होगा। सर, इस बारे में भी हमने उनसे पूछा, लेकिन सबका यही कहना है कि वो लोग प्रोटेक्शन यूज करते थे। सबसे पहले तो ये वृंदा के मामा अतुल चौहान का DNA वृंदा के फीटर से मैच कराओ। अगर उसका DNA मैच नहीं होता, फिर बाकी बचे लोगों का DNA टेस्ट करवाओ। सर, एक बात और, एजेंसी से मिले नंबर्स में एक नंबर धीरज अरोरा का भी था। इस वृंदा ने कभी धीरज अरोरा के घर पे काम तो नहीं किया, लेकिन सर उसका अगला टारगेट धीरज ही था। पर हमें वृंदा की बॉडी भी धीरज के बिल्डिंग से ही मिली है। सर, हमने उन दोनों से फिर से पूछताछ, लेकिन उन्होंने वृंदा को पहचानने से साफ मना कर दिया। मुझे वो 13 तारीख की CCTV फुटेज दोबारा चेक करनी है। सर, ये देखिए, 3:30 बजे वृंदा चौहान बिल्डिंग में घुसती है। एक मिनट, नम्रता पॉज करना, जूम करना जरा। खुशी अग्रवाल, सर आप इसे जानते हैं? तुमने इसे पूछताछ की थी? जी सर, इनके हस्बैंड से भी पूछताछ की थी, लेकिन दोनों ने इसे पहचानने से मना कर दिया। हस्बैंड? जी सर, धीरज अरोरा। ये धीरज अरोरा। लेकिन सर, आप उस खुशी को कैसे जानते हैं? संदीप, करीब 1 साल पुरानी बात है। इस खुशी के पहले पति, इस खुशी का तब खुशी अग्रवाल नाम था और पहले पति का नाम था सुनील अग्रवाल। सुनील अग्रवाल के ऊपर उनके काम वाली ने बलात्कार का आरोप लगाया था, और जब हम उनके घर में बयान की पुष्टि के लिए पहुंचे तो सुनील अग्रवाल का यह कहना था, मुझे यह बताने में जरा भी शर्म नहीं कि मुझ में अब वो पावर नहीं बचा। हमें यह भी पता चला कि उस काम वाली का एक बॉयफ्रेंड भी था। हमने ये सोचा हो सकता है कि उस काम वाली ने पैसे ऐंठने के लिए अपने मालिक पर झूठा आरोप लगाया हो, और हैरानी वाली बात यह है कि उस काम वाली ने आत्महत्या कर ली। उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने अपने सुसाइड नोट में कंफर्म किया कि उसके साथ बलात्कार हुआ था, और बलात्कारी कोई और नहीं, वो खुशी अग्रवाल का पहला पति सुनील अग्रवाल ही था। हम उसके बयान की पुष्टि के लिए फिर उनके घर पे गए और छापेमारी के दौरान हमें उन दोनों के घर से सेक्स टॉयज मिले। उन दोनों को थाने लेके आओ। खुशी जी, हम कुछ समय पहले भी मिल चुके हैं, तब आप खुशी अग्रवाल हुआ करती थी और आज खुशी अरोड़ा। कुछ याद है आपको? जी सर। आज आप सेकेंड मैरिज करके मूव ऑन कर गई, अच्छी बात है। थैंक यू सर। मिस्टर धीरज, आपका मानना है कि आप वृंदा चौहान को जानते ही नहीं? जी बिल्कुल। जबकि वृंदा जिस एजेंसी में काम किया करती थी, उस एजेंसी के मुताबिक आपने किसी काम वाली के लिए वहां रिक्वायरमेंट दी थी, और उस एजेंसी का यह कहना है कि वृंदा आपके घर में काम करने वाली थी। जैसा कि वृंदा हर मर्द को हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल किया करती थी, शायद आपको भी वो करने वाली थी, या फिर हो सकता है किया हो। कहीं ऐसा तो नहीं ये बात आपको पता चली हो और आपने वृंदा का मर्डर कर दिया हो? या क्या कह रहे हैं सर, मैं वृंदा को जानता तक नहीं था। इनफैक्ट आज से पहले उसका नाम भी नहीं सुना था मैं। हाँ, हर एजेंसी को हमने कांटेक्ट किया था मेड की रिक्वायरमेंट के लिए, अपने डिटेल्स भी छोड़े थे वहां, पर हाल फिलहाल हमें मेड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। नमिता, जरा धीरज जी को दिखाओ। मिस्टर धीरज, कल आप अपने ऑफिस से 4 बजे घर लौट कर आए और फिर आधे घंटे बाद अपने घर से चले गए, जबकि हमने पता किया है कि आप अपने ऑफिस से रोजाना 7 बजे के बाद निकलते हैं। सर, वो मैं अपने कुछ फाइल्स भूल गया था, इंपॉर्टेंट थे, इसलिए पर्सनली लेने आ गया था घर। और खुशी जी, आप कल अपने घर से 3:45 पे निकली और ठीक 10 मिनट बाद 3:55 पर घर लौट कर आ गई। सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस पैसे विड्रॉ करने गई थी वहां से। और आप स्टेटमेंट चेक कर लीजिए बैंक का, CCTV फुटेज होगा, आप वो चेक कर लीजिए। खुशी जी, ये एक अजीब सा इत्तेफाक नहीं है? 1 साल पहले भी जब हम मिले थे, तब भी जुर्म आपके इर्द गिर्द ही हुआ करते थे, और आज भी ठीक वही सिचुएशन है। सर, इसे मेरी पूरी किस्मत समझ लीजिए या फिर कोइंसिडेंस,
ठीक है, फिलहाल आप दोनों जा सकते हैं। थैंक यू। संदीप, लगता है खुशी मैडम का हेयर फॉल आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और सर, इस बाल का कलर लगभग उस बाल के कलर जैसा है जो मैं क्राइम स्पॉट पे मिला था। मैं चाहता हूं कि तुम इस बाल का डीएनए पहले मिले हुए बाल के डीएनए से मैच करो। मेरी गट फीलिंग ये कहती है ये दोनों बाल एक ही इंसान के, और वो इंसान कोई और नहीं, खुशी अग्रवाल और खुशी अरोड़ा ही है। वृंदा का मर्डर एक के बाद एक रहस्यमय मोड़ ले रहा था। किसने किया था वृंदा का खून? वो सीनियर सिटीजंस जिनको वृंदा ब्लैकमेल करती थी, या फिर वृंदा का मामा जिसने उसका शारीरिक शोषण किया था, या फिर धीरज अरोड़ा जो वृंदा का अगला टारगेट था? अब इस केस में कुछ ऐसी कड़ियां खुलने वाली थी जो इन सारे रहस्यों पर से एक के बाद एक पर्दा उठाने वाली थी। सर, वृंदा के मामा अतुल चौहान का डीएनए वृंदा के पेट की फीटस के डीएनए के साथ मैच करता है। रिपोर्ट। यानी वृंदा के मामा के पास वृंदा को मारने का मोटिव था, लेकिन बिल्डिंग के उस सीसीटीवी फुटेज में ये मामा कहीं दिखाई नहीं दिया। वृंदा की बॉडी के पास जो हेयर स्टैंड मिला था, उसके डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ? वो नम्रता लेके आ रही है। सर, वृंदा की बॉडी के पास जो हेयर स्टैंड मिला, उसका डीएनए खुशी के डीएनए से 100% मैच करता है। ये देखिए, ये खुशी शक्ल से जितनी भोली दिखती है उतनी भोली है नहीं। एक काम करो, ये खुशी के घर का सर्च वारंट निकालो। सर, मैं वही चेक कर रहा हूँ, थोड़ी देर में फोन करता हूँ ना आपको। ओके खुशी, मैं देखती हूँ। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। सर, क्या हो रहा है? सर, आप हमें अपना काम करने दीजिए। ये देखिए, ये इस पिक में लड़की कौन है? यही रहती है? सर, हमने इसे अडॉप्ट किया है। पहले यही रहती थी, अब मेरे बेटे के साथ दुबई में रह रही। नाम क्या है इस लड़की का? करिश्मा। सर, एक मिनट आइए, देखिए क्या मिला है। सर, मर्डर वेपन तो नहीं मिला, लेकिन ये सब कुछ मिला है। और सर, ये देखिए। सर, ये सारा सामान बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने कहा था आपको खुशी के पिछले घर से मिला था। लेकिन वो सामान तो पुलिस ने जब्त कर लिया था। ये सामान आपने नया खरीदा है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर धीरज, क्या आपके भी सेक्स करने की क्षमता चली गई है? नहीं, क्यों? वो क्या है कि एक साल पहले हमसे बहुत बड़ी एक गलती हो गई थी। मानसी गोस्वामी ने इनके पहले पति सुनील अग्रवाल पर एक आरोप लगाया था बलात्कार। इनके पति ने गिल्ट में आके आत्महत्या कर ली, केस क्लोज हो गया। लेकिन उस केस का एक मुजरिम आज भी खुले आम घूम रहा है। देखिए, आप दोनों के खिलाफ हमारे पास इतने सबूत तो हैं ही कि हम कोर्ट में आसानी से ये साबित कर पाएंगे कि वृंदा का मर्डर आप दोनों ने ही मिलकर किया। सर, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने उसे नहीं मारा। सर, ये आपके बाल वृंदा की बॉडी पर कैसे मिले, और उन बालों का डीएनए आपके डीएनए से कैसे मैच करता है? और यही नहीं, वृंदा के लोकेशन रिकॉर्ड वारदात के कुछ रोज पहले तक लगातार धीरज के लोकेशन रिकॉर्ड से कैसे मैच करते हैं? सर, मुझे नहीं पता। आप तो चुप ही रहिए मिस्टर धीरज, लगातार आप झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हैं। यादव जी, जरा फुटेज दिखाइए इन्हें। इस फुटेज में जो लड़की दिखाई दे रही है करिश्मा, आपने ये कहा कि आपकी अडॉप्टेड बेटी है और वो दुबई में रहती है, तो फिर कैसे इस फुटेज में आपकी बिल्डिंग से वो निकलते हुए दिखाई दी और कहां जा रही थी वो? हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये बताइए कि आप दोनों ने मिलकर वृंदा को मारा या आप दोनों ने करिश्मा के साथ मिलकर वृंदा को मारा? और एक सवाल, करिश्मा के साथ एक चौथी औरत जो आपकी बिल्डिंग से सीसीटीवी फुटेज में निकलती हुई दिखाई दी है, वो चौथी औरत कौन थी और उसका इस मर्डर में क्या रोल था? अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या?
अभी भी वक्त है, सब सच सच बता दो, नहीं बताना तो वो भी बता दो। कोर्ट में तो हम साबित कर ही देंगे कि वृंदा का मर्डर आप दोनों ने किया है। कब तक चुपचाप सुनती रहोगी, सच बता दो ना। तुम्हारे पास फालतू का टाइम होगा, हमारे पास नहीं। बोलो। सर, हमने वृंदा को नहीं मारा, उल्टा वो हमें फॉलो कर रही थी, वो हमें ब्लैकमेल कर रही थी सर, और वो धीरज को फॉलो करते करते मुझ तक पहुंची। उसने हम दोनों को साथ देखा और उससे पता चल गया था कि हम दोनों पति पत्नी हैं। जब धीरज नहीं थे, उनकी एब्सेंस में वो घर भी आई थी। तुम ने बचपन के पैर को अंदर नहीं बुलाएगी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुझसे इतना प्यार किया था, 9 साल पहले मुझे गांव में अकेला छोड़ा है था। सारे गांव वालों ने मेरा सर मुंडवा दिया, माँ बाप ने घर से निकाल दिया, अम्मा ने मेरा रेप किया। ये अच्छा है, मेरी जिंदगी खराब करके अय्याशियां कर रही है तू। क्या चाहती है? 1 लाख रुपए। किस बात के 1 लाख रुपए? तेरे पति को बताऊं तेरे बारे में? खोलूं तेरी बोल? पापा टाइट हो गए तेरे। कहाँ से लाऊं मैं 1 लाख रुपए? घर पे रखे होते 1 लाख रुपए? आजू में ATM है, और तेरे पास 2-3 अकाउंट तो होंगे ना। तो एक काम कर, सारे अकाउंट से थोड़े थोड़े पैसे निकाल के 1 लाख रुपए दे। मौसी हूँ तुम्हारे मुंह पर ला करके 1 लाख रुपए। जब मैं वापस आई तो वो मरी हुई थी। वृंदा, वृंदा। फिर मैंने तुरंत धीरज को कॉल किया। क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वृंदा मरी पड़ी थी। खुशी ने मुझे सारी कहानी बताई, तो हम दोनों ने मिलकर उसकी लाश को कमरे में छुपा दिया और मैं ऑफिस चला गया। मुझे पता था सर कि हमारी बिल्डिंग का टेरेस खुला रहता है, रात को हम दोनों ने इसकी लाश को सीढ़ियों के रास्ते से टेरेस पर रख दिया। कहानी अच्छी सुनाई आपने मिस्टर धीरज। चलिए एक बार को मान भी लिया जाए कि आप लोगों ने वृंदा को नहीं मारा। मेरा सवाल अब भी वहीं का वहीं है, वो चौथी औरत जो करिश्मा के साथ CCTV फुटेज में आपकी बिल्डिंग से बाहर निकलती देखी गई, वो औरत कौन थी और उस औरत का इस मर्डर में क्या रोल था? ये छुपाने में नुकसान है हमारा, सच बता दो। सर मैं बताता हूं, करिश्मा उसकी मां वैशाली ने ही वृंदा को मारा है। बर्तन चौका करने वाले गरीब लोगों के साथ हम क्या किसी को मारेंगे? यही मरदवा होंगी, यही दोनों हथियार है। तो ये लोग का बस चलता ना तो हमारी करिश्मा को भी मार देते ये लोग। देखिए आप जो भी कहना चाहती हैं साफ साफ कहें। हमें कोई अडॉप्ट नहीं किया था, हम इनके नौकरानी का काम करते थे। उन्होंने माँ से झूठ बोला कि अपने बेटे के पास दुबई भेज रहे हैं, लेकिन हमें अपने घर में कैद रखा। और पूरे 21 दिन हमारे साथ जबरदस्ती की। अगर ऐसा था तो आप लोग तुरंत हमारे पास क्यों नहीं आए? इन दोनों को जेल में डाल देते। पुलिस के पास आते तो बात फैलने का डर था। यानी कि खुशी जी, आपने करिश्मा का तो शारीरिक शोषण किया ही, साथ में मानसी का भी शारीरिक शोषण किया। IPC की धाराओं की लंबी लिस्ट लगेगी आप दोनों की। ये बताइए कि वृंदा को क्यों मारा आप लोगों ने? हमने उसे नहीं मारा सर, यही दोनों ने मारा है। हम कैसे करेंगे उन लोगों का मर्डर? हम जब वहां पहुंचे, करिश्मा जब हमको चुपके से फोन करके लोगों सारा सच्चाई बताई, हम करिश्मा को लेने के लिए इन लोग के फ्लैट पे पहुंचे। तो औरत पहले से मर चुकी थी। झूठ बोल रही है ये दोनों। मैं मानती हूँ सर कि मैंने बचपन में उसे सताया होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं था। मैं प्रायश्चित करना चाहती थी और इसीलिए ना मैं उसे पैसे देने चाहती थी सर, लेकिन इन दोनों माँ बेटियों ने मिलकर उसे पहले से ही मार दिया था। ये केस उलझता ही जा रहा था। इस रेप और मोलेस्टेशन केस में ये तीसरी मौत थी। पहले मानसी और सुनील का सुसाइड और अब वृंदा का मर्डर। क्या कातिल इन्हीं लोगों में से था या फिर कोई ऐसा जो अब तक पुलिस की नजर से बचा हुआ था? संदीप, हो ना हो कत्ल इन चारों में से ही किसी एक ने किया है।
हो सकता है खुशी ने वृंदा को मारा हो और फिर धीरज को फोन करके बुलाया हो वृंदा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए, या फिर यह भी हो सकता है वृंदा के डर से खुशी ने धीरज को फोन करके बुलाया हो और उन दोनों ने मिलकर वृंदा को मार दिया हो। हे, कौन हो तुम? कौन हो तुम? या फिर यह भी हो सकता है कि वैशाली घर में घुसी हो, करिश्मा के साथ भागने लगी हो और इसी दौरान वृंदा बीच में आ गई हो और वृंदा वैशाली के हाथों मारी गई हो। कुछ समझ नहीं आ रहा है संदीप सर। वृंदा मर्डर केस में एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है सर। मैंने वारदात के एक दिन आगे पीछे की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज निकाली तो उसमें ये धीरज काला पॉलिथिन लेके जाते हुए दिखाई दे रहा है। देखने से तो उसका टिफिन लग रहा है सर। मुझे भी ऐसा ही लगा था इसलिए मैंने उसी वक्त की बिल्डिंग के आगे के रोड की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई तो ये धीरज ये काला पॉलिथिन उस डस्टबिन के पास फेंक रहा था। नम्रता एक काम करो, अपनी टीम में से किसी को भी इस स्पॉट पे इमीडिएटली भेजो, हो सकता है ये पॉलिथिन अभी भी वहीं हो। जी सर। महेश। यस सर। सर ये बैग मैंने फेंका जरूर था। वृंदा को मैंने नहीं मारा सर, ना ही खुशी ने मारा। फिलहाल तो आप चारों में से जिसने भी वृंदा को मारा है बहुत जल्द पता चल जाएगा क्योंकि हमारा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट उस गुलदस्ते की जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। अभी भी टाइम है, आप में से जिस किसी ने भी वृंदा को मारा है शराफत से कबूल कर ले। सर खून हमने किया है। उस दिन फोन रखने के बाद हम माँ का इंतजार कर रहे थे, घर में सर और मैडम दोनों ही नहीं थे। जैसे माँ गेट पे आई हम उनके पास दौड़ के पहुंचे तो मैडम हमारे बीच में आ गई, हमें रोकने लगी। हमने गुलदस्ता उठा के उनके सिर पे दे मारा। कैसे मारा, करके बताओ। सर वो हमारे सामने आ गई थी हमें रोकने के लिए तो हमने गुलदस्ता उनको ऐसे मार दिया सिर पे, वो वहीं मर गए और हम भाग गए। लेकिन चोट तो वृंदा के सर के पीछे लगी थी। क्यों वैशाली जी? अरे अब तो मान जाओ या अपनी बेटी को जेल भेज कर मानोगी? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई सर। हम जैसे ही दरवाजे की घंटी बजाते देखा तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था। सोफे पे एक औरत बैठी थी, हमको लगा उसी मैडम है। हमारी नजर फूलदान पर पड़ी, उसको उठाए उनके सर पे दे मारे, उसके बाद करिश्मा लेके वो से भाग गए और इसीलिए हम करिश्मा को बलात्कार का केस लिखवाने के लिए पुलिस थाने नहीं आए। बिना देखे सुने, बिना सोचे समझे कुछ भी करने से पल भर में जीवन बिगड़ जाता है। जरा सा भी समझदारी से काम लिया होता तो अपराधी बनने से बच जाती। आज की तारीख में हमारे देश में समलैंगिक रिश्ते में होना कोई जुर्म नहीं है। अब तो कानून भी पास हो चुका है जो LGBT कम्युनिटी को मान्यता देता है। लेकिन अगर कोई भी रिश्ता हवस की आड़ में जोर जबरदस्ती से बनाया जाए तो वो जुर्म है। खुशी की दरिंदगी का शिकार ना सिर्फ मानसी, वृंदा और करिश्मा हुई बल्कि खुशी की हिरासत के बाद और भी कई लड़कियां सामने आई और इस सीरियल रेप और मोलेस्टेशन के लिए खुशी के साथ साथ उसके पार्टनर्स को भी सजा दी गई। ये केस दर्शाता है कि समाज के दरिंदों की कोई शक्ल नहीं होती, कोई जेंडर नहीं होता। लेकिन ऐसे कई केस रोके जा सकते हैं अगर सही समय पर पुलिस को इसकी सूचना दे दी जाए। हमें बस चौकन्ना और सतर्क रहने की जरूरत है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।